हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में स्वागत है। आज की क्लास में हम स्पीड ऑफ कैल्शियम टंगस्टेट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे कि जो कैल्शियम टंगस्टेट की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हमने बनाई है, इसकी स्पीड किन किन फैक्टर पर जो निर्भर करती है, उनकी स्पीड को कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो देखिए, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन स्लो या फास्ट होना कि स्पीड जो इंटेंसिफाई स्क्रीन है ये स्लो होगी या फास्ट होगी, ये बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे पहला है थिकनेस ऑफ फॉस्फर लेयर। सेकेंड है साइज ऑफ फॉस्फर क्रिस्टल, जो आप फॉस्फर क्रिस्टल लोगे उसकी साइज क्या होगी। तीसरा है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग डाई इन द स्क्रीन। तीसरा प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग डाई इन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर आप जो लाइट एब्जॉर्बिंग डाई है, एक डाई होती है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको आप मिलाते हो कि नहीं मिलाते, उसकी उपस्थिति है कि नहीं है। ये चौथी है फॉस्फर कन्वर्जन एफिशिएंसी। जिसे आपने इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी के नाम से भी पढ़ा था, उसके बारे में ये किसी फॉस्फर की कितनी है। ये चार फैक्टर डिसाइड करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड क्या होगी। उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, स्पीड से हम समझे, जैसे हमने तीन प्रकार की जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हमने पढ़ी है, फास्ट स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, मीडियम या इसको हमने पार स्पीड भी बोला है, और तीसरी डिटेल या स्लो स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये तीन प्रकार की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हमने पढ़ी है, फास्ट स्पीड, मीडियम या पार स्पीड, और डिटेल या स्लो स्पीड, ये तीन तरह की होती है। तो जो स्क्रीन जितनी ज्यादा फास्ट होगी, जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी, उसकी डिटेल्स को रिकॉर्ड करने की क्षमता उतनी कम होगी, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, विक्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। मतलब स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एबिलिटी टू रिकॉर्ड डिटेल। यदि किसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो स्पीड है, उसकी जो जो डिटेल को रिकॉर्ड करने की एबिलिटी के विक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है, हाई स्पीड जो फिल्म है, हाई स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इसकी जो इससे आप इमेज लोगे तो उसकी क्या होगी, उस इमेज में आपको लेस डिटेल मिलेगी, डिटेल आपको कम मिलेगी, उसके अंदर लेस डिटेल आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो उसकी डिटेल रिकॉर्ड करने की एबिलिटी है, वो स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर किसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, जैसे हम अलग अलग स्पीड ले, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ले, जैसे फास्ट स्पीड है, मीडियम स्पीड है, या इसको हम पार स्पीड बोल देंगे, या स्लो स्पीड है, इसको हम डिटेल स्पीड भी बोल देंगे, ये तीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ले हम, और तो इनके इंटेंसिफिकेशन फैक्टर कितने होंगे। देखो, स्लो स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का इंटेंसिफिकेशन फैक्टर कितना होगा, 25 होगा, यानी ये एक्सपोजर फैक्टर को 25 गुना कम कर देती है। मीडियम या पार स्पीड है, इसका इंटेंसिफिकेशन फैक्टर क्या होता है, 50 होता है, यानी ये एक्सपोजर फैक्टर को 50 गुना तक कम कर देती है। और फास्ट स्पीड है, इसका 100 होता है इंटेंसिफिकेशन फैक्टर, यानी 100 गुना तक इंटेंसिफाई जो इसका जो एक्सपोजर फैक्टर को कम कर देती है। तो ये इंटेंसिफिकेशन फैक्टर है जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसके अलावा अब हम चलते हैं आगे, ये जो चार फैक्टर, इन चार फैक्टर के बारे में डिटेल लेते हैं। तो
तो देखिए कैल्शियम टंगस्टेट की अगर एक ऐसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है जिसकी पोस्ट पर लेयर ज्यादा मोटी है यानी उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसकी एबिलिटी रिकॉर्ड करने की डिटेल उसके विक्रमानुपाती होती है। स्पीड पर थिकनेस और फोस्ट पर लेयर का क्या फर्क पड़ता है? देखिए मान लो दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, एक में फोस्ट पर की लेयर इतनी थिक है और दूसरे के अंदर फोस्ट पर लेयर कितनी है, इतनी थिक है। ओके, इस पर 10 एक्सरे फोटोन हम डाल रहे हैं, कितने 10 एक्सरे फोटोन, और इस पर भी 10 एक्सरे फोटोन हम क्या कर रहे हैं डाल रहे हैं, दोनों पर हमने 10-10 एक्सरे फोटोन डाले, 10 एक्सरे फोटोन डाले। तो देखिए एक्सरे फोटोन होगा, एक्सरे फोटोन आपको पता है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, ये चीजों को पार कर जाता है, जैसे अपनी बॉडी पे डालते हैं तो बहुत सारे एक्सरे फोटोन बॉडी के पार चले जाते हैं, तो इसी तरह से इसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से जब एक्सरे फोटोन गुजरेंगे तो कुछ ही एक्सरे फोटोन है जो इसके अंदर रुक पाएंगे, बाकी क्या होंगे सीधे इसके पार निकल जाएंगे, बाकी क्या होंगे सीधे इसके पार निकल जाएंगे। और आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की थिकनेस बढ़ाते हो तो अब ये एक्सरे फोटोन जैसे पार निकल रहे, निकल के टाइम इनके एब्जॉर्ब होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनको ज्यादा दूरी पार करनी पड़ती है, ज्यादा दूरी तक एक्सरे फोर्स पर लेयर के अंदर इनको रुकना पड़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो फोर्स पर लेयर की जब थिकनेस बढ़ाते हो, थिकनेस बढ़ाते हो तो स्पीड क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। तो फोर्स पर लेयर की थिकनेस बढ़ाओगे तो उससे स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन इससे इमेज की क्लैरिटी भी कम होती है, इमेज की क्या होती है क्लैरिटी भी कम होती है। कैसे, मान लो देखो ये कोई फोर्स पर लेयर है और इसकी हमने थिकनेस बढ़ा दी, इसके निकाल ली थिकनेस बढ़ा दी, दो एक्सरे फोटोन है ये एब्जॉर्ब हुए, एक एक्सरे फोटोन तो यहां पर एब्जॉर्ब हुआ, ये मैंने इसको बढ़ा दिया, और दूसरा एक्सरे फोटोन है वो यहां पर एब्जॉर्ब हुआ। तो देखिए एक्सरे फोटोन जैसे ही एब्जॉर्ब होता है तो फिर क्या बनते हैं, लाइट फोटोन बनते हैं। ये क्या है, ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, ये दोनों भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर जब एक्सरे फोटोन गिरते हैं ये एक्सरे फोटोन है, तो उससे क्या होता है ये एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं तो लाइट फोटोन इमिट करते हैं। मैंने कल आपको बताया था एक एक्सरे फोटोन 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो तो लगभग 850 लाइट फोटोन इमिट करता है, और ये इमिटेड लाइट फोटोन सारे सीधी डायरेक्शन में नहीं जाते, ये इसके चारों तरफ क्या होते हैं फैल जाते हैं, ये इसके चारों तरफ क्या होते हैं फैल जाते हैं, एक मतलब जैसे लाइट बल्ब है उस लाइट बल्ब से हर दिशा के अंदर लाइट निकल रही हो, वैसे इस जो एब्जॉर्प्शन पॉइंट से हर दिशा के अंदर लाइट फोटोन क्या होते हैं उत्सर्जित होते हैं। और इसके सामने यहां पर क्या है, यहां पर ये एक्सरे फिल्म है, ये क्या है एक्सरे फिल्म है, तो ये जो लाइट फोटोन निकलेगा ये इसका ये पोर्शन क्या करता है, इसको एक्सरे फिल्म को एक्सपोज कर रहा है, एक्सपोज दी एक्सरे फिल्म। अब क्या हो कि अगर ये लाइट फोटोन है ये थोड़ा दूर क्या हो अवशोषित हो एक्सरे फिल्म से इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर, क्योंकि थिकनेस बढ़ा दिए, तो देखिए अब ये लाइट फोटोन यहां पर इमिट होंगे तो ये लाइट फोटोन ज्यादा दूरी तक क्या होंगे फैलेंगे, और एक्सरे फिल्म को भी ये बहुत ज्यादा एरिया के ऊपर क्या करेंगे एक्सपोज करेंगे, ये क्या हो गया एक्सपोज एरिया ऑफ फिल्म। इसका मतलब आपकी जो जहां पे एक्सरे फिल्म को जो उसने एब्जॉर्ब किया है, जिसने जो जो लाइट जो डिफ्यूज्ड एरिया है लाइट जो यहां से इमिट हो रही है वो एरिया और एक्सरे फिल्म का एक्सपोज्ड एरिया बराबर नहीं होगा, वास्तव में तो ये इतनी दूरी पे एक्सपोज करना चाहिए था लेकिन इस पॉइंट की इमेज कितनी दूरी पे बढ़ रही है, इतनी दूरी पे बढ़ रही है, यानी ये क्या होगा ये डिफ्यूजन लाइट का इस साइड के अंदर यहां पर ये डिफ्यूजन हो गया, इस लाइट डिफ्यूजन के कारण DIFFUSION डिफ्यूजन नहीं होता है विसरण, इस लाइट डिफ्यूजन के कारण क्या होती है इस इमेज की क्लैरिटी साफ सही नहीं होती, इस इमेज को ये क्लैरिटी या इसकी जो स्पष्टता है वो हमें इसमें कमी दिखाई देती है। तो फर्स्ट पर लेयर के अंदर लाइट के डिफ्यूजन के कारण क्या होता है इमेज की क्लैरिटी कम होती है। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की थिकनेस बढ़ाने पर स्पीड तो बढ़ती है लेकिन इमेज क्लैरिटी CLARITY क्लैरिटी ये कम होती है, इमेज क्लैरिटी क्या होती है कम होती है। इसके अलावा
लाइट की स्केटरिंग भी होती है, लाइट की स्पीड की स्केटरिंग किस तरह से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए उस लाइट स्केटरिंग के कारण क्या होता है, उसके कारण भी इमेज की क्लियरिटी कम होती है अगर आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की थिकनेस बढ़ाते हो तो। किस तरह से होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ये कोई इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और इस पर आपने ये कोई लेड का ग्लो कर दिया, ये क्या रख दिया लेड का ग्लो। आपको पता है लेड ब्लॉक से एक्सरेज बिल्कुल भी नहीं, मतलब जो इसके अंदर से क्या होगी बिल्कुल भी नहीं पार जा सकती, ये लगभग एक्सरेज को रोक लेता, मान लो आइडियल इंडक्शन रोक लेगा। तो ये क्या है, ये लेड ब्लॉक है, ये क्या है ये लेड ब्लॉक है और ये आपका फिल्म स्क्रीन सिस्टम है। ठीक है, फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन जो नीचे दिया है, ये फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन है। अब एक्सरे फोटोन अगर आप इस पे डालोगे, जैसे एक एक्सरे फोटोन इधर डाल देंगे, एक एक्सरे फोटोन इधर डाल देंगे, तो लेड वाला जो ये लेड ब्लॉक है ये तो एक्सरे फोटोन पूरी तरह से लेड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ये एक्सरे फोटोन क्या करेगा यहां पर ये क्या होगा इसको एक्सपोज करेगा। तो वास्तव में जैसे एक्सरे फिल्म हो, इस एक्सरे फिल्म के ऊपर आपको क्या दिखना चाहिए, आपको ऐसे दिखना चाहिए इसके इस लाइन के इधर तो क्या हो आपको खूब सारी डेंसिटी ब्लैकनेस खूब सारी दिखे, और इधर क्या हो जीरो डेंसिटी हो, यानी एकदम से फिल्म क्या होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। लेकिन इमेज आती कैसे है वो भी आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है फास्ट स्क्रीन, ये है स्लो स्क्रीन। फास्ट स्क्रीन की अवस्था के अंदर आप ये देखोगे तो इसके अंदर जैसे मैं यहां से सीधी लाइन ले लेता हूं उसको, फास्ट स्क्रीन की अवस्था के अंदर ये तो ऐसे होगा और जो इसके ब्लॉक के नीचे से लाइट घुस जाएगी इसके अंदर, क्योंकि स्क्रीन की थिकनेस ज्यादा है तो लाइट का जो डिफ्यूजन होगा तो ये लाइट का डिफ्यूजन दूर तक होगा, यानी एक्सरे फिल्म के इस एरिया पर तो ब्लैकनेस सही है, डेंसिटी आपको मिलेगी कुछ ना कुछ, इस एरिया पर भी आपको क्या होगी कुछ ना कुछ ब्लैकनेस मिलेगी। ये क्या है फास्ट स्क्रीन। स्लो स्क्रीन की अवस्था के अंदर क्या होगा ये कम होगा, ये क्या होगा कम होगा, क्योंकि स्लो स्क्रीन में स्क्रीन की थिकनेस कम होती है, कम होती है तो उसके नीचे से लाइट का जो जो स्केटरिंग है वो कम होती है। तो यहां पर ये आपको सिर्फ इतनी दूरी पर देखने को मिलती है, ये क्या कहलाती है लाइट स्केटरिंग। इस लाइट स्केटरिंग के कारण भी इमेज क्वालिटी कम होती है, इमेज क्लियरिटी क्या होती है जिससे इमेज क्लियरिटी कम होती है। तो ये इसके अलावा क्या है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग रे। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की थिकनेस आपने ज्यादा ले ली और यहां पर कोई जो एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है तो और यहां पर कोई एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है तो इससे आने वाली लाइट से इमेज क्लियरिटी कम होती है। तो हम क्या करें, हम इसके अंदर क्या करते हैं एक येलो कलर की डाई मिला देते हैं, इसमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की फोस्टर लेयर में येलो डाई मिला देते हैं। ये डाई क्या करती है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जो लाइट फोटोन यहां से जो लाइट एक्सरे फोटोन बनेगा लाइट फोटोन बनेगा वो तो तुरंत ही फिल्म के पास आ जाएगा, लेकिन दूर से लाइट फोटोन इधर आएगा तो बीच बीच में क्या मिला हुआ है लाइट एब्जॉर्बिंग डाई, तो बीच में उसे कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए लाइट एब्जॉर्बिंग डाई मिलाते हैं जो दूर कोई एक्सरे फोटोन से लाइट फोटोन बन रहे उनको एब्जॉर्ब करने की काम करती है, लेकिन लाइट जो एब्जॉर्बिंग जो डाई है इस डाई से इंटेंसिफाइंग इसको मिलाते हो अगर आप इसको प्लस करते हो तो इससे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड क्या होती है स्पीड कम हो जाएगी, क्यों क्योंकि आप कम लाइट फोटोन मिलेंगे कम एक्सरे फिल्म एक्सपोज होगी, तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की पोस्ट पर लेयर में लाइट एब्जॉर्बिंग डाई मिलाने से फिल्म की स्पीड क्या होती है कम होती है, क्यों होती है मैंने आपको बता दिया इस तरह से कम होती है। सो दैट फोर्स पर कन्वर्जन एफिशिएंसी, कन्वर्जन एफिशिएंसी बढ़ती है, फोर्स पर कन्वर्जन एफिशिएंसी या इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी अगर बढ़ती है तो स्पीड क्या होगी बढ़ेगी, मतलब जैसे एक एक्सरे फोटोन है उसकी 5% जैसे कैल्शियम टंगस्टेट की फोर्स पर कन्वर्जन एफिशिएंसी 5% है, अगर ये 10% हो जाएगी तो ज्यादा जो एक्सरे फोटोन की एनर्जी से ज्यादा लाइट फोटोन बनेंगे ज्यादा संख्या बनेंगे ज्यादा फिल्म को एक्सपोज करेंगे तो स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी, स्पीड क्या हो जाएगी उससे ज्यादा हो जाएगी।
तो ये स्पीड ऑफ इंटेंस जो कैल्शियम टंगस्टेट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ये कंप्लीट है। एक छोटा सा टॉपिक और है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन या एक्सरे जो आपकी जो स्क्रीन फिल्म जो है उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। तो रिजॉल्विंग पावर देखिए, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, सबसे पहले तो ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब डिजिटल इमेजिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको रिजॉल्विंग टेस्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। अब एक बेसिक चीज बता देता हूँ, देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक टेस्ट पैटर्न होता है, इस पर एक लेड की लाइन, बीच में स्पेस दी होता है, 1 मिलीमीटर इनकी संख्या फिक्स होती है, फिर इनको हम क्या करते हैं, इनकी साइज को हम छोटा करते हैं, और पास करते हैं, इनकी थिकनेस को भी कम करते हैं, ये और पास होंगे इस तरह से, ये और ज्यादा पास होंगे, तो इनको 1 मिलीमीटर में जैसे 2 लाइन पेयर है, 4 लाइन पेयर है, 5 लाइन पेयर है। लाइन पेयर मतलब क्या होता है, लेड लाइन प्लस स्पेस, उनके पेयर यानी जोड़े को, लाइन के पेयर या जोड़े को, जिसमें लेड लाइन होगी और स्पेस होगा, उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, लाइन पेयर कहते हैं। उन दोनों को क्या मिला के क्या कहते हैं, लाइन पेयर कहते हैं। जो ये क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर बताता है, ये स्पेस के अंदर हम दो पास के ऑब्जेक्ट है उनको कितना दूर देख सकते हैं। जैसे अगर हम अपने दोनों उंगलियों को टच करें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों उंगलियां टच नहीं है लेकिन हमारी आंखों को वो टच दिखाई देगी, यानी उस लिमिट तक हमारी आंखों की क्या रिजॉल्विंग पावर है। एक्सरे सिस्टम की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, तो देखिए ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन सिस्टम है ये 100 लाइन पेयर पर मिलीमीटर तक को डिटेक्ट कर सकता है। ये क्या कर सकता है, जब सबसे फास्ट स्पीड हो उस कंडीशन के अंदर, और जो स्लोवेस्ट जो होती है, स्लो स्क्रीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है उसकी, उनकी तो लगभग 10 लाइन पेयर पर मिलीमीटर तक की रिजॉल्विंग पावर होती है। उनकी क्या होती है, 10 लाइन पेयर पर मिलीमीटर तक होती है, 1 मिलीमीटर में अगर 10-10 लाइन पेयर है वहां तक ये क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन फास्ट स्पीड है वो 100 लाइन पेयर पर मिलीमीटर तक इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं।